तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वायरल रील्स एडिटिंग का पार्ट टू ले आए हैं। पिछले पार्ट में हमने इन सब चीजों के बारे में बात करी थी और कुछ इस टाइप की रील बनाई थी। अगर आप प्रीमियर प्रो में जूम इन या जूम आउट करते हो या किसी टेक्स्ट इफेक्ट्स वगैरह में मूवमेंट डालते हो और उसमें आप की फ्रेम्स लगाते लगाते परेशान हो गए हो, तो आपको सिंपली गूगल में चले जाना है और आपको सर्च कर लेना है एसेंशियल मोशन 2.0 प्रीसेट। और ये टोटली फ्री है। इसको डाउनलोड करके प्रीमियर प्रो में आप देख सकते हो कि हमको कितने सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे जूम इन, जूम आउट, ग्लिच या मूव। तो इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली जहां तक इफेक्ट चाहिए वहां अपनी क्लिप को कट कर देना और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और आप देख सकते हो आपका इफेक्ट रेडी हो चुका है। आज हम इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे और कुछ इस टाइप की रील बनाएंगे। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो और आपको काम नहीं मिल रहा है या आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आज मैं आपको 5 वेबसाइट्स बताने वाला हूं जहां से आप वर्चुअल क्लाइंट से काम ले सकते हो। ये रही वो 5 वेबसाइट्स, आपको जो सही लगे उसमें चले जाना। फिर आपको कुछ इस टाइप के ब्रीफ्स मिल जाएंगे, इनको आप डिजाइन करके अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो और इससे आपको रियल क्लाइंट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। ऐसी और यूजफुल वीडियोस देखनी है तो हमें फॉलो कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने अपनी क्लिप्स में से साइलेंट पार्ट को रिमूव कर दिया है और मैंने अपनी ऑडियो भी एडिट कर ली है। तो अगर आपको इसकी भी प्रोसेस देखनी है तो मैंने पार्ट 1 में बता दिया था, आप जाके देख सकते हो। तो अब मैं सिंपली इस बैकग्राउंड को अपनी टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और अपनी सारी वीडियो सिलेक्ट करके ऑल्ट और अप एरो के साथ अपनी वीडियोस को ऊपर वाली लेयर में ले आऊंगा। मैं सिंपली अपनी वीडियोस को हाइड कर देता हूं और अपनी बैकग्राउंड वाली लेयर को अपने टाइमलाइन के जितना सेट कर दूंगा। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, इसकी डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है या आप कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, आप सिंपली गूगल में जाके डाउनलोड कर लेना। तो ये थोड़ा ज्यादा ही ब्राइट दिख रहा है मेरे को, इसको डार्क करने के लिए मैं सिंपली इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। तो मैं इसको 40% पे कर देता हूँ और इसके साइज को अपने स्क्रीन साइज जितना कर दूंगा। मैं इसको 90 रोटेट कर देता हूँ और स्केल कर देता हूँ 50। तो ये परफेक्टली सेट हो चुका है। तो ये बैकग्राउंड हमारे वहां वहां काम आएगा, जैसे हमारी वीडियो हटानी होगी या कोई स्टिकर्स वगैरह लगाना होगा या कोई ग्राफिक एलिमेंट दिखाना होगा तो आप इस बैकग्राउंड के ऊपर दिखा सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अब हम ऐड करेंगे प्रोग्रेस बार को। अपनी वीडियोस का वॉच टाइम बढ़ाने के लिए प्रोग्रेस बार एक बहुत सही चीज है, इससे आपकी ऑडियंस हुक्ड रहती है और वो आपकी वीडियो एंड तक देखती है। तो इसको ऐड करने के लिए आपको सिंपली ग्राफिक्स पैनल में आ जाना है और आपको यहाँ पे एडिट में क्लिक करना है, फिर यहाँ से न्यू आइटम में और आपको एक रेक्टेंगल ले लेना है। फिर इस रेक्टेंगल के साइज को अपनी स्क्रीन साइज जितना कर देना और उससे थोड़ा बड़ा ही कर देना दोनों साइड, और इसके फिल कलर को चेंज कर देना अपने हिसाब से, आपको जो भी कलर सही लगे वो रख देना। मैं रख रहा हूँ ग्रीन और आप इसको कहीं भी रख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको मिडिल में रख देना, मेरे को ये टॉप पे सही लगता है तो मैं इसको टॉप पे रख देता हूँ। तो आप इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आके इसको परफेक्टली सेट कर देना इसकी पोजीशन चेंज करके, और मेरे को ये अब परफेक्ट लग रहा है। तो अब इसको एनिमेट करना पड़ेगा। इसको एनिमेट करने के लिए आपको सिंपली फर्स्ट की फ्रेम में आ जाना है अपनी लेयर के, जहां से ये ग्राफिक लेयर स्टार्ट हो रही है, और आपको यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आ जाना है और यहाँ से पोजीशन से इसको एकदम स्क्रीन के बाहर ले जा देना है कुछ इस तरीके से, और आपको सिंपली एक की फ्रेम लगा देना है पोजीशन में। फिर आपको एंड में आ जाना है अपनी लेयर के और इसको पूरा फिल कर देना है कुछ इस तरीके से। तो अगर आप प्ले करके देखोगे तो आप देख सकते हो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब इसमें एक फाइनल चीज कर देनी है आपको, यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आके, एक मिनट में बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स टाइप दिख रहा होगा, सिंपली इसको ड्रैग करके अपने की फ्रेम के आगे ले आना और सेम ऐसे ही आपको एंड में भी कर देना है। जब आप अपनी लेयर को आगे या पीछे स्केल करोगे तो ये की फ्रेम्स भी साथ में मूव करेंगे और आपकी एनिमेशन खराब नहीं होगी। मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये हमारी ग्राफिक लेयर है, मैं इसके साइज को अपनी वीडियो साइज जितना कर देता हूँ और अगर मैं प्ले करूंगा तो आप देख सकते हो हमारा प्रोग्रेस बार एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है और ये एंड में जाके खत्म होगा। तो इस प्रोग्रेस बार को एक लेवल और ऊपर ले जाने के लिए आप सिंपली इसकी एक कॉपी बना लेना और इफेक्ट्स पैनल में जाके आप गॉशियन ब्लर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना इस लेयर में जो आपने कॉपी करा था वाली लेयर में। फिर आपको यहाँ से ब्लरीनेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है, आप जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा ग्लो इफेक्ट आएगा आपकी लेयर में। मैं 100 कर देता हूँ और आप देख सकते हो हमारे प्रोग्रेस बार में एक ग्लो टाइप का इफेक्ट आ चुका है। तो अगर आपको ये ज्यादा लग रहा होगा तो आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो। तो 50 में ये मेरे को परफेक्ट दिख रहा है। तो हमारा प्रोग्रेस बार रेडी हो चुका है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में।
तो अब हम अपनी वीडियो को मास्क करेंगे। और मेरे को बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप अपनी वीडियोस को सर्कल के अंदर कैसे डालते हो, तो उसको करने के लिए मैं पहले सिंपली इसको ऊपर कर देता हूँ और अपनी वीडियोस की ऑल्ट के साथ ड्रैग करके कॉपी बना लेता हूँ। फिर मैं वापस ग्राफिक्स वाले पैनल में ही हूँ और यहाँ से न्यू आइटम में क्लिक करके एक एलिप्स ले लेता हूँ और ये सर्कल वाली लेयर को अपनी वीडियो के नीचे रख देता हूँ। फिर आपको ये सारी वीडियोस को पकड़ना है और सिंपली राइट क्लिक करके नेस्ट कर देना है। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाके इसका साइज छोटा कर देना और यहाँ से आपको ये फिट दिख रहा होगा इसको 100% कर देना, इससे जूम दिखेगा आपका व्यू पोर्ट। और इसके साइज को मैं अपने परफेक्टली सर्कल के साइज का कर दूंगा। फिर आपको सिंपली यहाँ से मास्क बना लेना है सर्कल का और अपने सर्कल के ऊपर परफेक्टली इसको फिट कर देना। यहाँ से फेदर को कर देना 0, तो ये परफेक्टली सर्कल की शेप में नहीं है। इसको फिक्स करने के लिए आपको इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में शेप के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपका ये बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगा और आप इसको स्ट्रेच करके परफेक्टली सर्कल बना देना। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, आप इफेक्ट कंट्रोल पैनल में किसी भी इफेक्ट या प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से उसको मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो। तो हमारी वीडियो परफेक्टली मास्क हो चुकी है। फिर इसके बाद आपको दोनों लेयर को पकड़ना है और सिंपली राइट क्लिक करके नेस्ट कर देना है। इसको करने के बाद अपनी वीडियो को कहीं भी मूव कर सकते हो और इसको एनिमेट भी कर सकते हो। तो मैं इसको सिंपली रखता हूँ टॉप राइट कॉर्नर में कुछ इस तरीके से, आपका जहाँ मन करे आप वहाँ अपनी वीडियो को रख सकते हो। तो अब मैं याली वीडियो का इंट्रो और आउट्रो अपनी याली लेयर के ऊपर ले आऊंगा। तो जैसे ही मेरा इंट्रो खत्म होगा मेरा याला पार्ट आ जाएगा जिसमें बैकग्राउंड है। फिर आपको क्या करना है, जेड प्रेस करके जूम कर लेना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे अपनी वीडियो के एंड पे आ जाना है और शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करके आपको 5 फ्रेम आगे आ जाना है। फिर इस वीडियो को इंक्रीज कर देना, फिर अपनी वीडियो को सिलेक्ट करके 1 की फ्रेम यहाँ पे लगा देना और 5 फ्रेम आगे जाके सिंपली इसको नीचे पे को ले जा देना। फिर दोनों की फ्रेम्स को पकड़ के राइट क्लिक करना और यहाँ पे आके इजिन लगा देना। फिर आप प्ले करोगे तो आप देख सकते हो एक एनिमेशन क्रिएट हो गई है। फिर ऐसा ही आपको आउटरो में भी कर देना है, वीडियो के एंड में आ जाना, लिफ्ट और लेफ्ट एरो से प्रेस करके 5 या 10 फ्रेम आगे आ जाना अपने हिसाब से। अगर आपको एनिमेशन स्लो चाहिए तो 10 फ्रेम आना और अगर आपको फास्ट चाहिए तो 5 फ्रेम करना। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा देना और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम को यहाँ ले आना जहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है। फिर वापस स्टार्टिंग में जाना और इसको सिंपली नीचे कर देना। फिर दोनों को पकड़ना, राइट क्लिक और इज इन लगा देना। फिर आप प्ले करोगे तो आप देख सकते हो आपकी स्मूथ एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। और अगर आप कुछ यूनिक सा एनिमेट करना चाहते हो तो आपको सिंपली इफेक्ट्स पैनल में आ जाना है और आपको सर्च कर लेना है बेसिक 3D। इसको अपनी वीडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और अपनी वीडियो सिलेक्ट करके आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिक 3D आ चुका है। तो हमको इसमें सिर्फ 2 ही चीजों पे ध्यान देना है, ये स्वेल और टिल्ट पे। तो अगर आप इन दोनों की वैल्यूज को चेंज करोगे तो आप देख सकते हो आप अपनी 2D इमेज को एक 3D इमेज जैसा रोटेट कर सकते हो। और इस इफेक्ट को आजकल रील्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। इसको एनिमेट करने का भी सेम प्रोसीजर है, आपको की फ्रेम्स लगा देना है स्टार्टिंग में और आप जहां तक चाहते हो एनिमेशन हो वहां पे आके इसकी वैल्यू चेंज कर देना। और स्मूथ एनिमेशन के लिए आप की फ्रेम्स में इज इन और इज आउट लगा देना। फिर आप प्ले करके देखोगे तो आप देख सकते हो ये कैसे फ्लिप होके आ रही है मेरी वीडियो। तो आप ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स खुद क्रिएट कर सकते हो बेसिक 3D की हेल्प से। और प्रीमियर प्रो में जितने भी इफेक्ट्स में ये क्लॉक आइकन मिलता है उसको आप एनिमेट कर सकते हो। तो बेसिक 3D को आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है या कोई भी वीडियो या क्लिप्स है उसमें यूज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो आप जान लेते हैं कि ड्रॉप शैडो को यूनिक तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं जिससे एक बहुत ही अमेजिंग और एक यूनिक लुक आए। तो मेरे पास ये 5 वेबसाइट के नाम है, मैं सिंपली इनको ड्रैग कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एडिटिंग वर्कस्पेस में चले जाता हूँ एक बार और मैं ऑल्ट और अप एरो से इसको ऊपर कर देता हूँ। फिर मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाके इसके साइज को छोटा कर देता हूँ। 80 ज्यादा लग रहा है, 70 कर देता हूँ, 70 ठीक है। तो मेरे को इस इमेज में ये नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो इसको मैं रिमूव करने के लिए इफेक्ट्स पैनल में जाऊंगा और यहाँ से मैं क्रॉप सर्च कर लेता हूँ। और आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डाल सकते हो या आप इसमें अगर आपकी लेयर सिलेक्टेड होगी और डबल क्लिक करोगे तब भी ये इफेक्ट आ जाएगा। फिर सिंपली बॉटम से इसको क्रॉप कर देता हूँ तो परफेक्ट है। तो मैं अपनी याली वीडियो को भी ऊपर ले आता हूँ जिसमें सर्कल में मेरी वीडियो है। सेम ऐसे ही मैं अपनी बाकी की क्लिप्स भी ले आता हूँ और इन सबको याली वीडियो के साइज में सेट कर देता हूँ। फिर जिस वीडियो में हमने क्रॉप लगाया था उसको सिंपली Ctrl+C प्रेस करना है सिलेक्ट करके और बाकी 4 को सिलेक्ट कर राइट क्लिक पेस्ट एट्रीब्यूट्स, फिर यहाँ से क्रॉप और मोशन में टिक लगे रहने देना और इसको ओके कर देना। फिर सारी वीडियो को इवनली एक के ऊपर एक रख देना। तो हमारी क्लिप्स परफेक्टली सेट हो चुकी है। अब इफेक्ट्स पैनल में जाके ड्रॉप शैडो सर्च कर लेना और इसको अपनी क्लिप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। फिर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे ओपेसिटी को कर देना 100, डिस्टेंस को
कर देना है 40 और इसके कलर को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं ये 5x5 क्लिप में अलग अलग कलर रखूंगा, इसमें मैं रेड रख देता हूँ। फिर आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है इसमें और बाकी की क्लिप से सिलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट एट्रीब्यूट्स और यहाँ से क्रॉप और मोशन को अनटिक करके खाली ड्रॉप शैडो में टिक लगे रहने देना और ओके प्रेस कर देना। तो मैं सारी लेयर्स के कलर को चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये कुछ यूनिक टाइप का और नया लुक है, नहीं तो लोग नॉर्मली ड्रॉप शैडो को डाल देते हैं और ब्लैक कलर का होता है वो, तो उससे कुछ अलग है ये। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लिप एक के बाद एक आए, तो इसको एनिमेट करने के लिए आपको सिंपली पहले तो जूम कर लेता हूँ मैं इसको, इन सब कुछ सिलेक्ट करके एकदम परफेक्ट अपनी वीडियो के साइज का कर देना। फिर आपको थोड़े थोड़े आगे पे को आते रहना है और 1x1 लेयर को छोटा कर देना है। तो आपको कुछ इस टाइप का बना देना है और आप प्ले करके देखोगे तो आप देखोगे 1x1 आ रहा है। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए आपको सिंपली इसको एनिमेट करना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में आना अपनी क्लिप के और 5 फ्रेम पीछे जाके या 10 फ्रेम पीछे जाके आपको सिंपली क्लिप सिलेक्ट करनी है, पोजीशन में की फ्रेम लगा देना है और स्टार्टिंग में आके इसको अपने फ्रेम के बाहर ले जा देना। फिर दोनों की फ्रेम्स को पकड़ के ईज आउट ईज इन लगा देना और अगर आप प्ले करके देखोगे तो आप देख सकते हो कैसे स्मूथ एनिमेशन हो रही है। तो ऐसी सेम एनिमेशन को आपको बाकी की क्लिप्स में भी कर देना है। तो अब मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्मार्टफोन के अंदर लगाने वाला हूँ। उसको कैसे लगाएंगे, मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डबल क्लिक कर लूंगा और यहाँ से सोर्स मॉनिटर से अपनी खाली वीडियो ड्रैग कर लूंगा। फिर इसके साइज को छोटा कर देता हूँ और यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाके इसको अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट कर दूंगा। फिर ये मेरी स्मार्टफोन की PNG है। अगर आपको ऐसी PNG चाहिए तो आप सिंपली गूगल में चले जाना और यहाँ पे सर्च कर लेना स्मार्टफोन PNG। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी आ गई है, आपको जो भी सही लग रहा है उसको डाउनलोड कर लेना। फिर इसको प्रीमियर प्रो में इम्पोर्ट करने के बाद अपनी वीडियो वाली लेयर के ऊपर रख देना और इसके साइज को भी अपनी वीडियो के साइज के जितना कर देना। फिर आपको PNG वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाके इसके साइज को इंक्रीज कर देना। तो इसको अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग परफेक्टली सेट कर देना और फिर अपनी वीडियो वाली लेयर को पकड़ना और यहाँ से पेन टूल में क्लिक करके एक जो इसके बॉर्डर है उसको रिमूव करने के लिए रफ सा मास्क बना लेना और यहाँ से फेदर को जीरो कर देना। फिर जहाँ जहाँ आपका पार्ट बिगड़ रहा होगा उसको मास्क एक्सपेंशन से ठीक कर लेना। तो अब मेरी वीडियो परफेक्टली सेट हो चुकी है। फिर आपको इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके नेस्ट कर देना। तो अब आप इस लेयर को मूव कर सकते हो, स्केल कर सकते हो और एनिमेट कर सकते हो। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो मैंने पार्ट 1 में टेक्स्ट को कैसे डालना है वो नहीं बताया था, तो मैं इस पार्ट में बताने वाला हूँ। अब आप टेक्स्ट को दो तरीके से डाल सकते हो, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। अगर आपको कुछ इस टाइप का टेक्स्ट चाहिए, ये कुछ इस टाइप के टेक्स्ट चाहिए आपको, तो आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैनुअली नहीं लिखना चाहते हो और आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी हो जाए तो आप AI से भी लिखवा सकते हो। मैं आपको दो ऐप्स बताऊंगा। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो आप ब्लिंक ऐप को डाउनलोड कर लेना और अगर आप iOS यूजर हो तो आप v.io ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इन दोनों ही ऐप में आपको अपनी खाली वीडियो अपलोड करनी है और ऑटो ट्रांसक्रिप्शन में क्लिक करना है और इससे आपके ऑटो जनरेट हो जाएंगे सारे कैप्शन सबटाइटल्स और आपको 4-5 स्टाइल मिल जाएंगे टेक्स्ट के। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और फॉन्ट कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो मैं मैनुअली इस टाइप के टेक्स्ट को कैसे बनाना है वो बता देता हूँ। तो आपको टी प्रेस करके टाइप टूल ले लेना है और यहाँ अपना टेक्स्ट लिख देना है और इसके साइज को अपने हिसाब से सेट कर देना। फिर यहाँ से आपको अपना फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है, आपको जो भी फेवरेट फॉन्ट हो या कोई भी चाहिए, तो मैं यूज कर रहा हूँ Akira एक्सपेंडेड। फिर यहाँ से आपको शैडो को ऑन कर देना है और इसकी ओपेसिटी को कर देना है 100 और इसके कलर को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, मैं रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से आपको डिस्टेंस को कर देना है 15 और आपको इफेक्ट्स पैनल में जाके ड्रॉप शैडो सर्च कर लेना है और इस टेक्स्ट वाली लेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। फिर आपको शैडो कलर को वही कलर सिलेक्ट करना है जो आपने पहले किया था, मैंने रेड किया था तो मैं रेड कर लेता हूँ। और यहाँ से डायरेक्शन को कर देना है 200, डिस्टेंस को 4 और सॉफ्टनेस को 100। फिर अब आप इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो आपके टेक्स्ट इफेक्ट में एक ग्लो इफेक्ट आएगा, आप देख सकते हो। तो हमारा टेक्स्ट रेडी हो चुका है। इसको एनिमेट करना भी बहुत सिंपल है, आपको फर्स्ट फ्रेम में जाना है और यहाँ से स्केल में की फ्रेम लगा देना है और स्टार्टिंग में कर देना आप 110। फिर शिफ्ट राइट एरो से 5 फ्रेम आगे जाना और इसको कर देना 90। फिर और शिफ्ट राइट एरो और इसको फाइनली कर देना 100। फिर आपको तीनों की फ्रेम्स को पकड़ना है और ईज इन लगा देना है। तो अब आप प्ले करके देखोगे तो आप देख सकते हो कैसा बाउंस इफेक्ट आ रहा है हमारे टेक्स्ट में। और आप इस टेक्स्ट इफेक्ट की 3-4 कॉपीज भी बना सकते हो ऑल्ट के साथ ड्रैग करके और इनके कलर को चेंज कर देना, जैसे मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। यहाँ से आप कलर कोड भी कॉपी कर सकते हो और ओके प्रेस करके ड्रॉप शैडो में पेस्ट कर देना। तो अब आप देख सकते हो हमारे अलग अलग कलर के टेक्स्ट हो चुके हैं। ऐसे आप बहुत सारे कलर के टेक्स्ट यूज कर सकते हो।
तो अब हमारा लास्ट स्टेप बचाता है अपनी वीडियोस में SFX को यूज करना, जैसे पॉप साउंड, वू साउंड और ट्रांजिशंस वगैरह यूज करना। तो ये सारी चीजें आपको YouTube में मिल जाएगी। आपको सिंपली गूगल में जाना है और यहाँ से YouTube में चले जाना और आप फिल्म बर्न ट्रांजिशंस सर्च करोगे तो आप देख सकते हो कितने सारे आ गए हैं। आपको जो भी चाहिए वो यूज कर लेना। और ऐसे आपको साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे, जैसे वूस साउंड इफेक्ट सर्च करोगे तो वो भी बहुत सारे आ गए हैं। आपको जो भी सही लगे उसको यूज कर लेना। तो अब मैं आपको अपनी फाइनल रील प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो और आपको काम नहीं मिल रहा है या आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आज मैं आपको 5 वेबसाइट्स बताने वाला हूँ जहाँ से आप वर्चुअल क्लाइंट से काम ले सकते हो। ये रही वो 5 वेबसाइट्स, आपको जो सही लगे उसमें चले जाना। फिर आपको कुछ इस टाइप के ब्रीफ्स मिल जाएंगे, इनको आप डिजाइन करके अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो और इससे आपको रियल क्लाइंट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। ऐसी और यूजफुल वीडियोस देखनी है तो हमें फॉलो कर लेना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना विजल्स बाय ललित को। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले ओके बाई।